स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं पीसी ग्वाल आज आपको सिखाऊंगी लेसन गुरु का ज्ञान। तो एक तो गुरु है, उनके पास ज्ञान ही होता है, और गुरु का क्या ज्ञान है उसको हमें इस लेसन में समझना है। पाठ परिचय। गायन एक कला है, गायन हो या कोई और काम, जब वह निस्वार्थ भाव से और अपनों की खुशी के लिए किया जाता है तब वह अधिक प्रभावी हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये एक चीज बताई है उन्होंने कि इसमें तो एग्जांपल उन्होंने गाने का लिखा है। गायन मतलब जो गाना होता है उसको हम गाते हैं ना, उसको गायन बोलते हैं। गाना भी एक कला है। ठीक है, हर कोई गाना गा सकता है क्या? नहीं, मुझ जैसे तो नहीं गा सकता। ठीक है, तो कैसा है कि गायन हो या और कोई काम हो, ठीक है, कि गाने के अलावा ही अगर कोई काम हो उसको अगर आप निस्वार्थ भाव से, यानी उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, मीन्स ना पैसों के लिए काम कर रहे हो, है ना, या किसी के नीचे दबके कर रहे हो, या इसके लिए नहीं कर रहे हो, है ना, सिर्फ अपनी खुशी के लिए। भी बोलते ना कि किसी किसी को बहुत खुशी होती है, कोई कोई बोलता ना उसको डांस करता तो उसे बहुत अच्छा लगता है, किसी को कोई पढ़ाना होता है तो उसको बहुत खुशी होती है, या किसी को राय देनी होती है तो उसे बहुत खुशी होती है, या कंप्यूटर पे काम करना होता है बहुत खुशी होती है। इसी तरीके से जो काम निस्वार्थ भाव से किया जाता है जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती है, ठीक है, जिसके लिए आप कुछ बोलते ना रिटर्न में कोई चीज नहीं चाहते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं निस्वार्थ, है ना, तो वो ज्यादा काम अधिक प्रभावी होता है, मीन्स बहुत ज्यादा, और उसका जो रिजल्ट है ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक तरीके से नाटक हुआ है कहीं पे, तो नाटक के थ्रू आपको लेसन आपको समझाया है। जैसे आपके स्कूल में एनुअल डे आता है तो आप उसमें कैसे नाटक एक ड्रामा करते हैं और उसके थ्रू है ना पेरेंट्स को और आपके जो फ्रेंड्स होते हैं उनको मैसेज देते हैं, ऐसे ही इसमें एक ये ड्रामा किया है और उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, बादशाह अकबर, तानसेन, संत हरिदास, कुछ दरबारी यानी कर्टियर्स जो बोलते हैं और कुछ ग्रामीण लोग, ठीक है, वो बताए हैं और ड्रामे के थ्रू आपको मैसेज देना चाहा है। बहुत अच्छा मैसेज है और उसको आपको समझना है और आगे के लिए आपको काम आएगा। मुगल बादशाह अकबर का दरबार। तानसेन तानपुरा लिए एक और बैठे हैं, दूसरी और कुछ दरबारी हैं, सामने सिंहासन पर बादशाह अकबर विराजमान है। अब देखो यहाँ पर कौन है, मुगल बादशाह अकबर है, उनका दरबार लगाया है, ऐसा दिखाया कि एक जन बादशाह अकबर हैं और वहाँ पे अपने दरबार में बैठे हैं, तो दरबार जब राजा होंगे तो उनके दरबारी भी होंगे, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने एक साथ में लिखा तानसेन तानपुरा लिए एक और बैठे हुए हैं, ठीक है, तानसेन तानपुरा लिए हुए। अब यहाँ पे आपको इमेज में भी देखो बैठे हुए यहाँ पर दिखाया है, नीचे आपकी इमेज में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। दूसरी और कुछ दरबारी हैं, सामने सिंहासन पर बादशाह अकबर विराजमान है, यस बादशाह अकबर है वो भी बैठे हुए हैं। दृश्य पहले में सीन फर्स्ट में क्या होता है, अकबर, सुनो तानसेन, मैं प्रतिदिन तुम्हारा गायन सुनता हूँ, तुम इतना सुमधुर गाते हो कि मेरा मन ही नहीं भरता, मैं समझता हूँ कि दुनिया में तुम्हारी आवाज सर्वश्रेष्ठ है। तो देखो एक तो अकबर है और बादशाह है, ठीक है ना, तो अकबर बादशाह को तो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, और वो बोल रहे हैं तानसेन से कि तुम इतना अच्छा गाते हो, मैं जब रोज सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे अलावा कोई इतना अच्छा भी गाना गा सकता है। तानसेन, नहीं महाराज, एक संत हैं जो मुझसे भी अच्छा गाते हैं। बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि आपको मेरा गाना अच्छा लगता है तो बोलते ना सबसे अच्छा मैं ही गाता हूँ, मेरी नजर में एक और है जो मुझसे अच्छा गाते हैं, वो कौन है, एक संत है। अकबर, सचमुच, तब तो उन्हें अवश्य ही हमारे दरबार में बुलाओ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ये बोलते ना, वो तो राजा है, बादशाह है, तो वो तो चाहेंगे कि अगर तुमसे भी कोई अच्छा गा सकता है तो उन्हें मेरे सामने लाओ ताकि हम उनका भी गायन सुने, ठीक है, तो क्या तुम ऐसा कर पाओगे? तानसेन, नहीं महाराज, मैं क्या, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, वे यहाँ नहीं आएंगे। वो बोलते कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, मैं क्या, कोई भी उनको यहाँ पे आपके सामने बुला के नहीं ला सकता। तो अकबर बोलते हैं, यह जान लेने के बाद भी नहीं कि उन्हें हिंदुस्तान के बादशाह ने बुलाया, जबकि उनको अगर ये मालूम पड़ जाए कि उनको किसने बुलाया, हिंदुस्तान के बादशाह अकबर ने बुलाया, तो भी वो नहीं आएंगे। ऐसा होता है ना, बड़े आदमी से मिलने के लिए कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता, और स्पेशली जब उनका इन्विटेशन आया हो तो कौन नहीं जाना चाहेगा। तानसेन, जी महाराज, तब भी नहीं, बोलते हैं जी महाराज, आपने जो कहा हम समझ गए, कि बोलते हैं ना कि आप बहुत बड़े हैं, सामने वाले को बोलेंगे आ जाएंगे, तो बोलते हैं कि नहीं, तब भी वो नहीं आएंगे। तो अकबर बोलते हैं, वाह, यदि वे यहाँ नहीं आ सकते तो हम तो वहां जा सकते हैं, क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगे? वो बोलते, अरे वाह, मीन्स ऐसा तो मानना पड़ेगा, ऐसा इंसान कौन है कि जो बड़े इंसान अकबर बादशाह के पास नहीं आना चाहते। अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं, वो नहीं आ सकते, हम वहां चले जाते हैं, इसे तो अकबर बादशाह का नाम था ना, ऐसा तो नहीं था कि वो अपने अंदर अकड़ रहते थे, नहीं, अपने दरबार को तो जाओ, उनको पकड़ के लेके आओ, मेरे सामने गाना गाएंगे, ऐसा करेंगे क्या? नहीं, इसे तो हमने जितनी भी स्टोरी सुनी है तो अकबर के बारे में यही सुनी है ना, अकबर बादशाह के बारे में, कि वो इतने सब उनके पास दरबार अच्छे थे, कार्टियर्स थे, सब कुछ थे, लेकिन सबसे बड़ी बात वो एक अच्छे ह्यूमन बींग थे, तो इसलिए बोला कोई बात नहीं, वो नहीं आते तो क्या हुआ, हम वहां जाएंगे, शौक हमारा है, हमें गायन तुमसे अच्छा सुनना है, तो हम उनके पास जाएंगे।
तानसेन अवश्य महाराज, पर आप वहाँ हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में नहीं जा सकते। वो बोले आप ऐसे नहीं जा सकते कि आप हिंदुस्तान के बादशाह अकबर है, जैसे आप दिखते ना राजा बोलेंगे तो राजा के हिसाब से बोले तो एक इमेजिन हो जाता है कि राजा ऐसा दिखेगा, है ना, तो वैसे आप नहीं जा सकते। अकबर, ठीक है मैं संगीत में भी बनकर जाऊंगा, पर यह तो बताओ कि वे हैं कौन। बोलते ठीक है जिनके पास हमें जाना है तो बोलते ना उन्हीं के तरीके से जाना है। अब मानो अभी आप पढ़ाई की वीडियो देख रहे हो तो इस टाइम पे आप गाना तो नहीं सुन रहे हो ना, जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग होगा वो नहीं सुन रहे हो ना, आप इस टाइम पे एज ए स्टूडेंट के हिसाब से मेरे वीडियो को देख रहे हो, है ना। तो ऐसे बोलते कि कोई बात नहीं मैं वहाँ पे किस तरीके से जाऊँगा, संगीत प्रेमी, क्योंकि उनका रुचि किस में है, संगीत में, म्यूजिक में है, ठीक है म्यूजिक है तभी वो उस म्यूजिक के हिसाब से गाना गाएंगे। लेकिन बोलते चलो मैं वैसे ही बन के जाता हूँ, लेकिन बता तो दो वो कौन है। तानसेन, महाराज वे मेरे संगीत गुरु हैं, लोग उन्हें संत हरिदास के नाम से जानते हैं, उन्हें सादगी बहुत पसंद है, ठीक है। वो बोलते हैं कि वो कौन है, तानसेन बोलते हैं अकबर को कि वो मेरे संगीत के गुरु है, जो आपको लगता है ना कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, जो प्रतिदिन आपको गायन करता हूँ और आपको लगता है कि मेरे से अच्छा कोई गाना नहीं गा सकता, वो मेरे गायन के गुरु है, संगीत के गुरु है, उनका नाम है संत हरिदास, उन्हें सादगी बहुत पसंद है, मतलब वो एकदम सिंपल में रहना पसंद करते हैं। वे मानते हैं संतन को कहां सीखरी सो काम, यानी जिसके घर द्वार त्याग जिसने घर द्वार त्याग दिया हो उसे मुगल साम्राज्य की राजधानी इस फतेहपुर सीकरी से क्या लेना देना, इसलिए आपको वहां वेश बदल कर चलना होगा। तो वो बोलते हैं कि ये जो है ना कि ये लिखा संतन को कहां सीकरी सो काम, यानी कहने का मतलब उनको सादगी इतनी पसंद है, जब उन्होंने अपना घर बार त्याग दिया है तो जो आपके यहाँ की जो राजधानी है मुगल साम्राज्य की फतेहपुर सीकरी, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपको सादगी के तरीके से माफे बनकर चलना पड़ेगा। अकबर, बहुत खूब, वाह कितने ऊंचे ख्यालात हैं उनके और कितनी साफ गोई है उनकी सोच में। मियां तानसेन, मैं यहीं से तुम्हारे गुरु को सलाम करता हूँ, तुम चलने की तैयारी करो, अब तो मैं हर हाल में उनका दीदार करना चाहता हूँ। अब वो बोलते हैं कि अरे बाप उन्हें इतनी अच्छी बात बोली कि उनको उन्होंने जब घर द्वार त्याग दिया है, वो सिर्फ बोलते हैं नाम के संत नहीं है कि मुंह में राम बगल में चूरी, लोग सामने कुछ दिखते हैं अंदर कुछ होते हैं, नहीं उनका ऐसा नहीं, उनको सादगी पसंद है, जब उन्होंने संत हैं तो संत की ही जिंदगी जीना था। तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, उनके जो ख्याल हैं वो बहुत बड़े हैं, साफ कोई आप बोल सकते हो कि वो जो भी बात होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, है ना, साफ किसी को ज्यादा सच बोलो या सब स्पष्ट बोलो तो उनको बुरा लग जाता है, लेकिन वो संत ऐसे नहीं थे, इसलिए बोलते चलो मियां तानसेन हम उनको जाकर मिलते हैं, मैं उनका दीदार करना चाहता हूँ, यानी उनको मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसे महान इंसान कौन है। तो ये एक दृश्य में आपको बताया गया। अब दृश्य टू में क्या होता है, संत हरिदास की कुटिया, संत आसन पर बैठे हैं, एक और तानसेन तानपुरा के साथ दूसरे और बादशाह अकबर सेवक के वेश में सुनने को आतो। आप देखो यहाँ पे क्या दिखाया है कि अगर आप सेकंड वाली पिक्चर में राइट साइड पेज नंबर 13 देखो, उसमें दिखाया है कि कौन बैठे हुए हैं, संत हरिदास, कुटिया मतलब जो बोलते हैं थोड़ा सा झोपड़ी टाइप की जो होती है उसमें वो बैठे हुए हैं आसन के ऊपर, यहाँ पे एक लाप बोल सकते ऑरेंज या पिंकिश कलर का है, उसके ऊपर वो आसन के ऊपर बैठ गए हैं, है ना। और एक और तानसेन तानपुरे के साथ, अभी इसमें तो क्या है ये बजा रहे हैं, ठीक है पिक्चर में, लेकिन वैसे जो सेवक के रूप में है साइड वाले जो है राइट साइड उनके हाथ में है दृश्य के हिसाब से, ठीक है। बादशाह अकबर किसके रूप में गए हैं, सेवक के रूप में गए हैं, ठीक है, वेश बदल कर राजा के रूप में नहीं गए। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे तो किसके रूप में गए थे, सेवक के रूप में। तानसेन, गुरुदेव आपका गायन सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है, हम पर कृपा करें। वो अपने जो संत हरिदास उनके गुरु हैं तो तानसेन उनको बोलते हैं कि आप हमें है ना क्या करें, हमें गाना गाकर सुनाएं, हमारी इच्छा है। हरिदास कौन हुए, संत, ठीक है, संत हरिदास बोलते हैं। तानसेन, तुम तो जानते ही हो मैं वर्षों पहले गायन छोड़ चुका हूँ। वो बोले कि तुमको तो पता है, तुम मुझसे गाने की बात करो कि मैंने क्या किया है, गाने का काम बहुत सालों से छोड़ दिया है। अकबर बोलते हैं मियां तानसेन फिर आप ही कुछ सुना दीजिए। तो अकबर वहां पर बोलते हैं मियां तानसेन फिर आप ही कुछ सुना दीजिए। तो वो बोलते हैं कि जब इधर आए हैं, अगर बोलते ना देखो जिसको जिस चीज का शौक होता है अगर वो चीज वहां पूरी नहीं हुई है ना तो दूसरे के थ्रू ही एंटरटेन कर लिया जाए। तो बोलते हैं कि भैया मियां तानसेन तुम ही सुना दो। हरिदास जी बोलते हैं हाँ यही उचित होगा, इस बहाने वर्षों के बाद मैं भी तुम्हारा गायन सुन सकूंगा। बोलते हैं कि हाँ ये तो अच्छी बात है कि जब अकबर ने बोल दिया, लेकिन उनको नहीं पता ना कि वो अकबर है, ये तो आपको बताने के हिसाब से ड्रामा के थ्रू बता रहे हैं। तो बोलते हैं कि अच्छा है कि चलो तानसेन तुम गाओगे। तो बोलते हैं ना कि मेरे शिष्य हैं, मेरे शिष्य मेरे सामने गाएंगे बहुत सालों बाद, तो मैं भी देखूंगा कि मैं पहले कैसे सिखाया था और अब इनको इतने सालों बाद ये कैसा गा रहे हैं। तानसेन, जैसा आपका आदेश गुरुवर। तानसेन कई बार बेसुरा आलाप लेते हैं फिर रुकते हैं, तानपुरे पर स्वर साधते हैं फिर वही बेसुरा आलाप लेते हैं फिर रुकते हैं, यानी जिनको गाना गाते हैं तो उनको आलाप का मतलब मालूम होगा, अब मैं गाऊंगी तो आप भी हंसोगे, है ना, तो ऐसा नहीं है, वो गाना गाते हैं अच्छे से नहीं गाते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से जो ये लोग आलाप लेते हैं जो गाना गाते हैं वही अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे, लेकिन वो एक तरीके से बेसुरा गाते हैं। वो क्यों गाते हैं जबकि आप बोलोगे इसमें क्यों लिखा है ना, जबकि तो अकबर बादशाह है, उनको इतना गाना अच्छा था उसको आगे समझो। हरिदास,
तुम्हारा स्वर सही नहीं लग रहा है तानसेन, तुम भी चूक कर सकते हो, भरोसा नहीं हो रहा, तुम सही स्वर लगाना कैसे भूल गए, रुको मैं याद दिलाता हूँ। बोलते हैं कि तुम इतना बेसुरा गा रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। बोलते ना कि हर गुरु को पता होता है कि वो जिस शिष्य को सिखा रहे भले हुए ना, उनको पता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तू भी है ना वो आपके अंदर कमियां निकालते हैं, शायद आपको बात बुरी लग जाती होगी बेटा, लेकिन इसलिए निकालते हैं कि आगे के जो भी कोई कॉम्पिटिटर हो ना उससे तुम और अच्छा कर सको, हमारी नजर में तो तुम अच्छा कर ही रहे हो, है ना। हो सकता है हमसे और अच्छे गुरु हो, है ना, आपसे अच्छे और शिष्य हो, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं। बोलते ना बेस्ट में से बेस्ट आपको बना के आगे समाज के सामने लाया जाए, जब आपकी किसी के सामने टक्कर हो तो आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस, आपके बोलने का तरीका, जिस भी फील्ड में आप करो कि सामने वाला आपको देख के ही थर थर काम जाए, ठीक है। तब वो बोलते हैं कि भाई मैंने इतना अच्छे इसको सिखाया हुआ लेकिन ये गा नहीं रहा, क्या चीज है। तानसेन ने उठकर तानपुरा संत गुरु हरिदास को थमा दिया, नेपथ्य से मधुर स्वर में किसी राग का गायन, संत हरिदास का तानपुरी पर हस्तांचरण। अब ये ड्रामा हो रहा था ये तो आपको पता ही है। अब ये क्या है कि वो जो तानसेन है वो अपना जो तानपुरा रहता है, देखो यहाँ पे इमेज में दिखाया है, जो पंडित जी बैठे हैं ना माथे पे से लगाया हुआ है ना, उनको वो दे देते हैं, वही वाली इमेज वाला सीन अब यहाँ पर आ गया है ना। अब पीछे नेपथ्य से मधुर स्वर में किसी राग का गायन, कोई तो राग होगा जो म्यूजिक जानते हैं सिंगिंग करते हैं उनको पता होगा, है ना, मधुर मतलब बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा था, भले उसका मतलब समझ में आए नहीं है लेकिन कानों को अच्छा लग रहा था। नेपथ्य आप बोल सकते हो बैक स्टेज से वॉइस ओवर हो रहा था, ठीक है। संत हरिदास का तानपुरे पर हसन चला, वो तानपुरे पर ऐसे बजा के जो भी उनको राग करना था वो अपना अच्छे से करने लगे। अकबर, वाह वाह क्या कहने, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ, संत हरिदास का गायन पूरा हुआ। तानसेन तानपुरा लेने के लिए आगे बढ़े। अब जैसे ही वो गाना उन्होंने सुना, जो अकबर गए थे वहां पे अपना किसका रूप लेके, सेवक का लेके वेश में गए थे, उन्होंने सुना कि अरे ये तो बहुत मधुर आवाज है, और वो क्या बोलते ना वाह वाह करने लगे। अच्छी बात है वाह वाह करेंगे, अरे इतना वेश बदल के आया राजा के कपड़े में और मैं क्या सुना, ऐसा है कि ऐसा नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे वाह वाह, है ना। इसलिए बोलते जो एक्सप्रेशंस भी होते हैं ना, जो हम बोलते हैं तो हमें सोच के बोलना चाहिए, अगर आप अच्छी जगह जा रहे हो और गलत एक्सप्रेशन दे दो तो क्या होगा, अच्छा होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। वो बोलते हैं कि मैं धन्य हुआ, बोलते हैं ना कि आप अकबर अगर सेवक को रूप लेके आ रहे हैं तो मानना पड़ेगा, अकबर को भी मानना पड़ेगा कि उनको अपना शौक पूरा करने के लिए उनको जो चीज करनी थी उन्हें को ये नहीं था कि मैं राजा हूं तो मैं राजा के वेश में ही जाऊंगा, नहीं तो उनको पकड़ के लेके, जैसे मैंने बोला दरबारी, नहीं ऐसा नहीं था, वो सेवक के रूप में गए और जब उनको सेटिस्फाइड हुए, उन्हें लगा कि तानसेन ने बोला कि उनसे अच्छे गाने वाले संत उनके जो है संगीत के गुरु संत हरिदास है वो अच्छा गाते हैं, जब उनको पूरा बिलीव हो गया तो उन्होंने उनकी तारीफ करना नहीं छोड़ा। लोग क्या करते हैं, अच्छा सुनने के बाद अच्छा करने बात भी तारीफ नहीं करते, ठीक है, इसे लोगों को कहीं ना कहीं बुरा भी लग जाता है। ये इतना बड़ा लेक्चर मैंने दो लाइन के लिए इसलिए बढ़ा दिया कि अगर आपको कोई चीज बेटा किसी की भी अच्छी लगती है ना तो उसको आपको क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, कि नहीं आपने अच्छा गाया। और आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो उसको पोलाइटली बोलो, ऐसा नहीं है आपने अच्छा बोला तो मेरे सामने तो बोल दिया लेकिन बुरा लगा तो हम इसको एकदम बोलते ना हार्श लैंग्वेज बोले, ऐसा नहीं, पोलाइटली बोलो कि नहीं वो अपनी जो गलतियां हैं उसको इंप्रूव कर सके। हरिदास, पुत्र तानसेन, अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई ना, मैं जानता हूँ तुमने मेरे गायन सुनने के लिए ही स्वर लगाने में भूल की थी, तुम बादशाह को हमारे संगीत सुनाने लाए हो ना। अब देखो कैसा टर्निंग आया, हरिदास जी कौन थे, गुरु थे, किसके, तानसेन के। वो बोलते हैं पुत्र तानसेन, अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई ना कि आप चाहते थे मैं गाना गाऊं, क्योंकि मैंने तो सालों से छोड़ चुके थे, छोड़ चुका मैंने आपको बोला था, इसलिए तुम लोग क्या, तुम क्या कर रहे थे, बेसुरा गा रहे थे, और तुम किसको लेके आए हो, बादशाह को लेके आए हो ना सुनाने के लिए। अब सोचो उनको ये बात कैसे पता चली कि ये पूरा उन्होंने जानबूझ के तानसेन गलत सुर लगा रहे थे और जो उनके साथ में थे वो बादशाह थे, सोचो, ठीक है। पहले नेक्स्ट पेज पढ़ मत लेना कि वीडियो रोकता हूँ, पढ़ के फिर कमेंट में लिखते हो, नहीं पहले समझ लो, है ना, और अगर आ गया तो पहले दिमाग लगाओ, वीडियो भले यहाँ रोक दो। अकबर, गुस्सा की माफ हो गुरुजी, यह मेरी ही जिद थी, मैं कैसे भी आपका गायन सुनना चाहता था, पर आपको कैसे पता चला कि मैं बादशाह हूँ। अब देखो कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, समझदारों की कमी इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, जो जिस चीज में बोलते हैं ना मेहनत करता है वो उसमें सफल हो जाता है, अपना नाम कमा लेता है, लेकिन कितने लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनको बोलते हैं ना सफलता नहीं मिली, लेकिन सफलता नहीं मिली तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उनके अंदर ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख है, है ना, वो गरीब है, भगवान रोटी सब्जी सबको दे रहा है, कुछ लोग फेमस हो जाते हैं, लोग उनके फैन हो जाते हैं, ऐसा होता है। तब वो यहाँ पे अकबर भी बोलते हैं कि ये गलती तो मेरे से हुई है, गुस्ताखी माफ करिएगा मुझे, लेकिन ये मेरी जिद थी कि मैं आपका गाना सुनना चाहता था, लेकिन मेरे मन में एक बात चल रही है। आप सबसे बड़ी बात है कि अकबर बादशाह बोल रहे हैं कि पहले ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मैं बादशाह, क्योंकि एक बार को ये तो कॉमन चीज हो सकती है कि तानसेन जानबूझ के गलत कर रहे हैं क्योंकि उनके शिष्य हैं, हम बच्चों को जिसको पढ़ा रहे होते हैं हम अपने बच्चों को देखते तो हमें पता होता है हमारा बच्चा कहाँ ड्रामा कर रहा है, लेकिन बादशाह को तो कभी मिले ही नहीं थे, तो बादशाह को भी तो ये चीज अलग लगी कि इन्हें कैसे पता चला।
हरिदास बोलते हैं संजय दा, तुम्हारी वेशभूषा तो सेवकों की है पर हाव भाव तो स्वामियों वाले ही हैं। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मुझे आरंभ में ही संदेह हो गया था, फिर जब तुमने पुत्र तानसेन को मियां तानसेन कहा तब मेरा रहा सा संदेश भी जाता रहा। ठीक है, देखो कितने अच्छे से ये पूरे लेसन को एंड किया है, समझ गए। गुरु का ज्ञान ये नहीं होता कि जिस चीज को गुरु को जो चीज में मारती हासिल है तो उसको वही ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। हम एक चीज के बोल सकते हैं ना, एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन उस एक्सपर्ट होने के लिए जो भी एक्सपर्ट होता है ना वो आजू बाजू की बहुत सारी चीजों को ज्ञान ले लेता है, भले उस चीज का एक्सपर्ट नहीं हो लेकिन ज्ञान वो बहुत अच्छे से ले लेता है। तब वो बोलते हैं कि वेशभूषा तो आपकी किसकी थी, सेवक की थी, लेकिन जो आपके हाव भाव थे ना वो किसके थे, स्वामियों वाले ही थे। आजकल लोग क्या चूक कर रहे हैं कि लोग गुरु के कपड़े देख के, चेहरों का रंग देख के, है ना, वो ऐसा सोच लेते हैं अरे ये सांवले रंग का है, काले रंग का है, ये अच्छे घर का नहीं है, इसने ऐसे कपड़े पहने हैं, ये अमीर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। खाना हमने जो खाया, हमने पनीर की सब्जी खाई या आलू की सब्जी खाई, है ना, हम छप्पन भोग खा के आए हैं या हमने मीठे के लिए सिर्फ बोलते हैं ना चीनी मुंह में डाल के आए हैं, है ना, या रस मलाई वो मीठे मीठे का, आपको पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। आप सिर्फ किससे जज कर रहे हो, जब वो फेस के एक्सप्रेशन से, कपड़ों से जज कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। जो आदमी समझदार होता है ना, वो जब आदमी खड़ा होता है, वो बोलचाल करता है ना, उससे ही पता चल जाता है कि वो किस कैटेगरी का है, उतने आदमी को नॉलेज होनी चाहिए। तो इसने बोला कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं, मुझे संदेह तो तभी हो गया था। देखो जो बोलते हैं ना रिच फैमिली से होगा और जो एक्सपर्ट होगा किसी चीज का, जिस चीज में भी आप बोलो तो उसके हाव भाव है ना अलग होंगे, उसके खड़े होने का स्टाइल, उसका बोलने का स्टाइल, उसका देखने का स्टाइल, है ना। अगर आप उसको सिर्फ कपड़ों से जज करोगे फिर तो आप भूल जाओ, ठीक है। तो और वो बोले कि और जो थोड़ा बहुत मुझे लगा कहीं मन में, देखो जो एक्सपर्ट होते हैं ना वो जल्दी से बोलते नहीं है, क्योंकि हमारी गलती बोलते ना, 10 अच्छाई को कोई याद नहीं रखता, 1 गलती को सब लोग याद रखते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ ना कुछ संदेह चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि वो संदेह भी कैसे चला गया, जब उन्होंने बोला मियां तानसेन, ठीक है, संत हरिदास कुटिया से बाहर जाने को हुए तभी अकबर और तानसेन ने उनके सामने झुककर क्षमा मांगी और वे भी कुटिया के बाहर आ गए। और वो लोगों ने उनसे क्या किया, बाहर जाने के लिए हुए उनसे क्षमा मांगी कि हम क्षमा चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमने गलती तो की, हमें अकबर के रूप में ही, बादशाह के रूप में ही आना चाहिए था, लेकिन तानसेन के सबसे वो सेवक के रूप में गए थे, क्योंकि उनको गाना सुना था, कोई बात नहीं। अब देखो कैसा होता है, उन्होंने मियां तानसेन बोला, अगर आप पेज नंबर 12 पे चले जाओ, है ना, दृश्य एक के पहले वाले में जो अकबर बोलते हैं, सेकंड लाइन में लिखा है मियां तानसेन, ठीक है। तो जो आदमी को जैसे बोलने का बोलते ना तरीका लग जाता है, वो उसी तरीके से यहाँ पे भी उन्होंने उनको मियां तानसेन बुलाया, और जब वो वहां पे थे उनकी कुटिया में, है ना संत, तब भी उन्होंने मियां तानसेन बुलाया। तो आदमी के तरीके जो शब्द होते हैं उससे पता चल जाता है उसको कितना ज्ञान है। अकबर, मियां तानसेन, जब जरा मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। वो बोलते हैं जरा मियां तानसेन, वापस से मियां तानसेन उनको बुलाया था, तो वही चीज से वो बुला रहे हैं। वो बोलते हैं मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। वो बोलते हैं फरमाए हुजूर, बोलिए आप। अकबर, मियां तुम संत हरिदास जी की तरह मधुर क्यों नहीं गा सकते। वो बोलते हैं कि एक चीज बताओ, जब वो इतना मधुर गा सकते हैं और तुम प्रतिदिन गाते हो, बोलते ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, ये हम बोलते हैं ना बातों को बेटा, चीजों को समझना है। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें जो लिखी गई है, समझाई गई है ना, हम उनको फॉलो तो करते हैं लेकिन कभी कभी आर्ग्यू कर लेते हैं, हम सिचुएशंस को नहीं समझते। तो सेम चीज को अभी आपको समझना है। देखो, मियां तुम संत हरिदास की तरह मधुर क्यों नहीं गा सकते। बोलते हैं कि क्यों नहीं गा सकते, पहले ये बताओ, ठीक है। यानी एक तो हम तो ऐसे बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और वो तो प्रतिदिन गाते थे, टेक्स्टबुक के हिसाब से आप देखो तो बोलते हैं प्रतिदिन गाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तानसेन बोलते हैं जहा पना, गुरुजी निस्वार्थ भाव से गाते हैं जबकि मैं स्वार्थवश गाता हूँ। वो बोलते हैं कि वो किस हिसाब से गाते हैं, निस्वार्थ, मतलब उनको कुछ उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं क्या करता हूँ, तानसेन सच्चे थे, उन्होंने जो सच था वो बोला, मैं किसके हिसाब से गाता हूँ, स्वार्थवश में गाता हूँ, वे आनंद के लिए गाते हैं और मैं आजीविका के लिए गाता हूँ। यस, वो किसके लिए गाते हैं, आप पकड़ा है एक तरीके से शब्द को, अगर समझते होंगे आप लोगों को, तो उसके हिसाब से पकड़ा, वे आनंद के लिए गाते हैं, मीन्स वो खुशी के लिए गाते हैं। देखो, जब हम खुश रहते हैं ना तो बोलते हैं ना हमारे घर के कपड़े क्यों ना हो, चेहरे पे मेकअप क्यों ना हो, लेकिन खुशी अलग ही झलकती है ना। वे आनंद के लिए गाते हैं और मैं आजीविका के लिए गाता हूँ। आजीविका मतलब वो पैसा, गाना गा के पैसा कमाते हैं, ठीक है, वो उनका काम है, ठीक है। वो आनंद के लिए गाते हैं और मैं आजीविका के लिए गाता हूँ। तो क्या करेंगे, आजीविका के लिए करते हैं, तो बोलते हैं एक टाइम का फाउंडेशन होता है, सुबह पहुंचना है, रात को आना है, और उनको गाना सुनाना है, तो आज ये सुनाया था, कल वो सुनाया था, आदमी अपने कामों में भी बिजी है, तो उसको बोलते ना उतना परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाता है। बस ये होता है कि जब सेलेक्ट जिसने जैसे किया है, कुछ सोच के अच्छा किया होगा, उस हिसाब से परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हर आदमी, आप भी बोलते हैं ना, जब आप प्रेशर में पढ़ाई करते हो तो उतनी अच्छी नहीं कर पाते, जब आप भी वेकेशंस में पढ़ते हो, हैंडराइटिंग कितनी अच्छी आती है, पोएम कितनी जल्दी जल्दी याद होती है, लेकिन जैसे एग्जाम आने का टाइम होता है, जब लगता है ना प्रेशर आ गया है, तो क्या होता है, दो लाइन का आंसर भी होता है ना, ऐसा लगता है ये आंखों के सामने घूम रहा है। इसलिए कहने का मतलब है, हमेशा अपने आपको फ्रेश रखो, फ्री रहो,
दोनों का मन से प्रस्थान, और वो दिखाया कि जो वहां पे ये जो नाटक चल रहा था वो स्टेज में से दोनों चले जाते हैं, कौन, अकबर और तानसेन। सुदर्शन की कहानी के आधार पर, ये कहां से लिया गया है, ये लेसन सुदर्शन की कहानी के में से आधार पर लिया गया है। तो इसमें से आपने क्या सीखा, इसमें से गुरु का ज्ञान यही है कि आप सामने वाले को जब भी जज करो ना, सोच समझ के जज करो, उसके हाव भाव देखो, सिर्फ अगर आप उसके कपड़े को, उसके चेहरे को, और आप बोल रहे हो कि अरे वो फ्रेश नहीं दिख रहा है, उसके बाल उबड़ खाबड़ है, नींद का चेहरा लग रहा है, आंखें सूजी हुई लगे, अगर इस तरीके से कुछ जज कर रहे हो तो फिर आप गलती कर रहे हो, और अभी से आदमियों को सही तरीके से जज करना सीखो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।